अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत बहुत स्पेशल सुपर क्रिस्पी और टेस्टी गुजरात का फेमस स्ट्रीट फूड कुरकुरा करारा मुंगोड़ा। इसको हम क्रिस्पी मूंग दाल की पकौड़ी भी बोलते हैं। बारिश शुरू होते ही पूरा अहमदाबाद मूंग दाल के पकौड़े खाने बाहर आ जाता है। जबरदस्त फेमस रेसिपी है वहाँ की और इतनी टेस्टी बनती है। दाल के पकौड़ों में मैं एक ऐसी स्पेशल चीज डालूंगी जिससे इसका जायका और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। पूरी रेसिपी एंड तक देखिएगा क्योंकि आपको बहुत पसंद आने वाली है। तो मूंग के पकौड़े बनाने के लिए हमने यहाँ पे ले लिया है ये दाल, एक कप हरा मूंग का दाल है ये छिलके वाला, और ये है आधा कप यानी डेढ़ कप ले लिया है मूंग की दाल। अब इसको 6 से 7 घंटे के लिए भिगा देंगे। फिर जब ये भीग जाएगी तो इसको ड्रेन कर लेंगे छन्ने में डाल के, पानी बिल्कुल से निकाल देंगे इसका। मिक्सी के जार में डाल के फिर दरदरा सा इसको पीसेंगे। इसमें फिर 6-7 क्लोव लहसुन का डालेंगे जब मिक्सी के जार में डाल के पीसेंगे, और ये अदरक का टुकड़ा। तो ये देखिए यहाँ पे दाल हमारी पीस के तैयार हो गई है। मैंने एक कटोरी दाल निकाल ली थी दरदरी सी। यहाँ पे आप लहसुन नहीं खाते हैं तो स्किप कर दीजिएगा, अदरक डाल लीजिएगा, लेकिन मैंने लहसुन और अदरक दोनों चीज़ डाल के दाल में इसको पीस लिया है, और इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। दाल को मैंने मिक्सी के जार में दरदरा पीस के और ट्रांसफ़र कर लिया है बाउल में। और ये आज मूंग के पकौड़े, ना इसमें कोई बेकिंग सोडा पड़ेगा ना कोई बेकिंग पाउडर, ये बगैर बेकिंग सोडा बगैर पाउडर के ही बहुत क्रिस्पी बनने वाले हैं। अब इस दाल के बैटर को ये हैंड विस्कर ले लीजिएगा या तो स्पून, इसको खूब विस्क करना है। और ये जो आपको कलर दिखाई देता है ये हम इतना फेटेंगे कि ये कलर जो है वाइट हो जाएगा और इसमें भर जाएगी हवा, तो ये मूंग के पकौड़े बहुत क्रिस्पी बनेंगे फ्लफी से। ये बैटर बन के तैयार होगा, अंदर से बहुत सॉफ्ट होंगे, ऊपर से बहुत कुरकुरे बनेंगे। दाल हमारी बहुत अच्छे तरीके से फेट चुकी है और इसमें बहुत अच्छा जायका बढ़ाने के लिए अब एक खास मसाला तैयार करेंगे मूंग के पकौड़े में डालने के लिए। गैस मैंने ऑन कर ली है, पैन रख दिया है, और इसमें मैं कुछ मसाले लूंगी। यह है 1 टेबल स्पून धनिया, यह है 1 टेबल स्पून सौंफ, यह है 1/2 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1/2 टीस्पून काली मिर्च, ये हम इसमें डाल देंगे और इसको 1 से 2 मिनट के लिए हल्का हल्का रोस्ट कर लेंगे। बहुत हल्का सा भीनी भीनी सी खुशबू आने लगेगी इसकी, तो हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। फिर ये देखिए ये रोस्ट हो गया है, फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे और इसमें डाल देंगे अब ये 1/2 टीस्पून है हींग। अब हींग को डाल के और इसी में हम मिक्स कर लेंगे ताकि ये भी गर्म हो जाए। ये भी गर्म हो गया है, अब हम इसको मिक्सी के जार में डाल के दरदरा से पीसेंगे। तो ये देखिए एक स्पेशल मसाला तैयार हो गया है मूंग के पकौड़े में डालने के लिए, जिससे बहुत जायका बढ़ेगा। और दरदरा से मैंने इसको पीस लिया है, और अब यहाँ ले लेंगे हम अपना बैटर। तो सबसे पहले बैटर में हमने जो दाल निकाली थी ये एक कटोरी, ये हम इसको इसमें डाल देंगे, और साथ ही में हम डाल देंगे इसके ये जो दरदरा सा मसाला पीसा है ये मसाला इसी में डाल देंगे। और ये है मीडियम साइज़ का प्याज जो मैंने ऑमलेट कट काट लिया है, अगर आप नहीं डालना चाह रहे हैं तो स्किप कर दीजिएगा। यह है 4 से 5 हरी मिर्च, ये हम इसी में डाल देंगे, और ये है हरा धनिया, ये हरा धनिया इसी में चला जाएगा, मैंने काट लिया है काट कर डाला है। और ये है 1 टीस्पून नमक, नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, और इसको अच्छे से हम मिला लेंगे। दाल जो निकाल ली जाती है थोड़ी सी 4-5 टेबल स्पून के करीब, तो ये जब दाल का ऊपर से डाल के हम फ्राई करते हैं पकौड़ों को, तो जब दाल के पीसेस नज़र आते हैं तो उसका लुक बहुत अच्छा लगता है देखने में, और जब मुंह में जाते हैं खाने में तो क्रंची क्रंची बहुत मज़ा आता है। मिक्स हो गया है और उधर हम चढ़ा देंगे तेल। तो बैटर हमारा यहाँ पे मिक्स हो गया है, और अगर आपको लगे यहाँ कि हमारा बैटर जो है थोड़ा सा पतला है तो आप यहाँ 1 से 2 टेबल स्पून चावल का आटा डाल लीजिएगा। चावल के आटा के डालने से क्रिस्पी बनेंगे, और ज़्यादा ना डालिएगा, नहीं चावल का आटा ज़्यादा डालने से फिर वो हार्ड हो जाते हैं। तो हम चलते हैं इनको इस तरह से लेके
पकौड़ियों को शेप में फ्राई कर लेते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से हम छोटे छोटे शेप में इनको डालेंगे। जितनी आपके कढ़ाई में स्पेस हो उतनी ही डालिएगा, और मीडियम आंच पे ही इनको फ्राई करना है, नहीं ऊपर से तो लगेगा फ्राई हो चुके हैं, अंदर से रहेंगे कच्चे पकौड़े, खाने में फिर मज़ा नहीं आएगा। थोड़ी देर के लिए तो इनको हम नहीं छुएंगे, उसके बाद अलट पलट के इनको फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हम इनको निकाल लेंगे। अब इसी तरीके से दूसरे फ्राई कर लेंगे हम डाल के। बहुत जल्दी नहीं करना होता है, बहुत धीमी धीमी आँच में इनको निकाला जाता है, तभी ये क्रिस्पी करारे कुरकुरे बनते हैं मूंग के पकौड़े। तो ये देखिए, मूंग के पकौड़े बनके तैयार हो गए। इंशाल्लाह आपको वीडियो बहुत पसंद आएगी, आप भी इसे ज़रूर बनाइएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आपको आज की ये रेसिपी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, सभी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।